हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी गोना डिस्कस लेसन 8 आवर फेस्टिवल्स मींस हमारा त्यौहार। इन दिस लेसन यू विल लर्न अबाउट, इस लेसन में आप पढ़ोगे नेशनल फेस्टिवल, रिलीजियस फेस्टिवल एंड हार्वेस्ट फेस्टिवल्स। नेशनल फेस्टिवल मींस थ्रू आउट द कंट्री मनाया जाता है, हमारे इंडिया के पूरे इंडिया में मनाया जाता है नेशनल फेस्टिवल। रिलीजियस फेस्टिवल, अलग अलग रिलीजन के लोग अलग अलग फेस्टिवल मनाते हैं, जैसे कि अलग अलग रिलीजन होते हैं ना, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, तो सबके फेस्टिवल्स भी अलग अलग होते हैं। जैसे कि ईद मुस्लिम लोग मनाते हैं, देन गुरुपुरब पंजाबीज मनाते हैं, सिख लोग, क्रिसमस जो होते हैं क्रिसमस क्रिश्चियन लोग मनाते हैं, एंड दिवाली होली ये सब हिंदू के फेस्टिवल हैं। तो अलग अलग रिलीजन में अलग अलग लोग अलग अलग रिलीजन के लोग मनाते हैं। ओके, वैसे तो सब मना सकते हैं बट उन अलग अलग रिलीजन में ये फेमस है। एंड हार्वेस्ट फेस्टिवल्स, हार्वेस्ट फेस्टिवल चेंज ऑफ सीजन से रिलेटेड है, मीन्स जब सीजन चेंज होता है तो अलग अलग टाइप के फेस्टिवल्स होते हैं वो मनाए जाते हैं। बर्थडेज ऑफ ग्रेट पीपल, महान फेमस लोगों की बर्थडेज के बारे में हम पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। वी सेलिब्रेट मैनी ओकेजन्स सच एज बर्थडेज, वेडिंग्स, वेडिंग एनिवर्सरीज एक्सेट्रा विथ आवर फैमिली। हम बहुत सारे अवसर मनाते हैं, जैसे कि बर्थडे, जन्मदिन के अवसर, जन्मदिन का जब ओकेजन आता है अवसर, वेडिंग, शादी, वेडिंग एनिवर्सरीज, ये सब हम अपनी फैमिली के साथ, अपने परिवार के साथ मनाते हैं। ऑन दीज ओकेजन्स वी इनवाइट आवर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स। इन अवसर पर हम अपने दोस्तों को और अपने रिश्तेदारों को इनवाइट करते हैं। वी गिव एंड रिसीव गिफ्ट्स, हम गिफ्ट्स रिसीव करते हैं, हमें गिफ्ट्स मिलता है और गिफ्ट्स देते हैं भी हैं हम। वी ऑल्सो सेलिब्रेट अ नंबर ऑफ फेस्टिवल्स ड्यूरिंग द ईयर, फेस्टिवल्स सच एज होली, दिवाली, बसंत पंचमी, ईद, क्रिसमस, गुरुपुरब, ओनम, पोंगल, बिहू, दुर्गा पूजा एक्सेट्रा आर फन फॉर एवरीबडी। हम बहुत सारे नंबर ऑफ़ फेस्टिवल्स, नंबर ऑफ़ त्यौहार हम मनाते हैं ड्यूरिंग द ईयर। साल भर में हम बहुत सारे त्यौहार मनाते हैं, जैसे कि होली, दिवाली, बसंत पंचमी, ईद, क्रिसमस, गुरुपुरब, ओनम, पोंगल, बिहू, दुर्गा पूजा एक्सेट्रा, ये सब हम मनाते हैं। आर फन फॉर एवरीबडी, ये सबके लिए आनंद होता है एक तरह का। वी वेट फॉर दीज फेस्टिवल्स वेरी ईगरली, हम इस त्यौहार के लिए बहुत उत्सुकता से इंतजार करते हैं, बहुत ही बेसब्री से हम इन त्यौहारों के लिए इंतज़ार करते हैं। वी बाय एंड वेयर न्यू क्लोथ्स, हम नए कपड़े पहनते हैं, नए कपड़े खरीदते हैं और पहनते हैं। वी प्रिपेयर एंड डिस्ट्रीब्यूट स्वीट्स, हम स्वीट्स मिठाइयाँ बनाते हैं, मिठाइयाँ बनाते हैं और डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, बांटते हैं। पीपल सिंग एंड डांस टू सेलिब्रेट सम फेस्टिवल्स, लोग फेस्टिवल्स मनाने के लिए डांस करते हैं, उस फेस्टिवल्स के टाइम में डांस करते हैं, गाना गाते हैं, तो इस तरह से हम फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं। सो नेशनल फेस्टिवल्स मीन्स राष्ट्र त्यौहार, हमारे जो पूरे इंडिया में मनाया जाता है। फेस्टिवल्स विच आर सेलिब्रेटेड थ्रू आउट द कंट्री बाय द इंटायर नेशन आर कॉल्ड नेशनल फेस्टिवल्स। ये त्यौहार है जो कि थ्रू आउट द कंट्री मनाया जाता है बाय द इंटायर नेशन, पूरा हमारा इंडिया के लोग, हमारे पूरी इंडिया के लोग, पूरे राष्ट्र के लोग, हम सब मनाते हैं, थ्रू आउट द कंट्री मनाया जाता है, इसे हम बोलते हैं नेशनल फेस्टिवल्स। नेशनल फेस्टिवल्स रिमाइंड अस ऑफ सम स्पेशल इवेंट्स
इन द हिस्ट्री ऑफ आवर कंट्री। नेशनल फेस्टिवल्स जो होते हैं वो हमें याद दिलाते हैं कुछ स्पेशल, कुछ ख़ास इवेंट्स के बारे में हमें याद दिलाते हैं जो हमारे कंट्री के हिस्ट्री में लिखा गया है, जो हमारे हमारे देश के देश का जो पास्ट रह चुका है। जैसे कि इंडिपेंडेंस डे, इंडिपेंडेंस डे के दिन हमारी इंडिया आज़ाद हुई थी, तो इन फेस्टिवल्स से हमें ये सब याद आता है। वी हैव थ्री मेन नेशनल फेस्टिवल्स, हमारा तीन मेन नेशनल फेस्टिवल्स हैं, इंडिपेंडेंस डे, रिपब्लिक डे, गांधी जयंती। इंडिपेंडेंस डे इंडिपेंडेंस डे में क्या होता है, इंडिया गॉट इट्स इंडिपेंडेंस फ्रॉम द ब्रिटिश रूल ऑन 15 अगस्त 1947। हमारा इंडिया आज़ाद हुआ था ब्रिटिश के शासन से। मींस पहले अंग्रेजों का राज चलता था, तो हमारा इंडिया आज़ाद हुआ था 15 अगस्त 1947 को हमारा इंडिया आज़ाद हुआ था। किससे? अंग्रेजों के राज से, अंग्रेज का राज चलता था। वी सेलिब्रेट दिस डे एज आवर नेशनल फेस्टिवल्स, हम इस दिन को हमारे नेशनल फेस्टिवल्स के तौर पर मनाते हैं। ऑन दिस डे द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया होइस्ट द नेशनल फ्लैग एट द रेड फोर्ट इन दिल्ली। इस दिन हमारे प्राइम मिनिस्टर, हमारे भारत के प्रधानमंत्री नेशनल फ्लैग को होइस्ट करते हैं। जैसे कि हमारे स्कूल में प्रिंसिपल सर नेशनल फ्लैग को होइस्ट करते हैं तो फ्लैग उठ जाता है, फिर आप लोग सब सैल्यूट करते हो। तो वैसे ही हमारे प्राइम मिनिस्टर नेशनल फ्लैग को होइस्ट करते हैं, कहाँ पर? दिल्ली के रेड फोर्ट में, दिल्ली के लाल किला में। ऑन दिस डे वी रिमेंबर दोज हु हैड सैक्रिफाइस्ड देयर लाइव्स फॉर द फ्रीडम ऑफ देयर कंट्री। इंडिपेंडेंस डे के दिन हम उन लोगों को याद करते हैं जो कि हमारी देश की आज़ादी के लिए सेक्रीफाइस किया था, अपनी जान की कुर्बानी दी थी, अपनी जान की आहुति दी थी, मींस अपनी ज़िंदगी की आहुति दी थी इंडिया को आज़ाद कराने के लिए। हमारे देश को देश की आज़ादी के लिए वो लोग लड़े थे और अपनी जान की आहुति दी थी, उन्होंने कुर्बानी दे दी थी। किस लिए? ताकि इंडिया आज़ाद हो जाए, फ्रीडम मिल जाए। रिपब्लिक डे द रिपब्लिक डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 26 जनवरी एवरी ईयर। रिपब्लिक डे हर साल 26 जनवरी को मनाया जाता है। ऑन दिस डे अ स्पेशल परेड इज हेल्ड एट विजय चौक इन न्यू दिल्ली। इस दिन न्यू दिल्ली में एक खास परेड होता है विजय चौक में, न्यू दिल्ली के विजय चौक में एक स्पेशल परेड होता है, जो कि विजय चौक का है, जो कि राजघाट में है, हमारा राष्ट्रपति भवन और इंडिया गेट के बीच में जो रास्ता जाता है, राष्ट्रपति भवन और इंडिया गेट के बीच में बहुत डिस्टेंस है, बहुत फासले हैं, तो उस फासले के बीच में ये परेड होते हैं, यहाँ पर रिपब्लिक डे मनाया जाता है। देयर इज़ अ डिस्प्ले ऑफ टैंक्स, एरोप्लेन्स एंड मार्च पास्ट ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस। आप लोग टीवी पर देखते होंगे कि प्रधानमंत्री, यहाँ पर 26 जनवरी के दिन आप लोग जब टीवी पर देखते होंगे तो न्यू दिल्ली के विजय चौक में स्पेशल, वहाँ पर देखते होंगे कि वहाँ पर होता है, दिखाता है कि उस जगह में स्पेशल परेड चल रहा होता है एंड एरोप्लेन्स आते हैं, मार्च पास्ट होता है इस तरह से, एंड टैंक्स आते हैं जो कि मिसाइल से भरे हुए होते हैं, मिसाइल्स रहते हैं, बड़े बड़े मिसाइल्स होते हैं ना, रॉकेट वगैरह वो होते हैं, तो इस दिन, और सेना होती है, आर्म्ड फोर्सेस होती है जो मार्च पास्ट करती है। डेकोरेटेड झांकीज और टेबलेक्स
फ्रॉम डिफरेंट स्टेट झांकी निकलती है, फ्रॉम डिफरेंट स्टेट अलग अलग राज्य की झांकी निकलती है, आर द मेन अट्रैक्शंस ऑफ द परेड. चिल्ड्रेन हु रिसीव ब्रेवरी अवार्ड्स ऑल्सो टेक पार्ट इन द परेड. बच्चे लोग को ब्रेवरी का अवार्ड मिलता है, मीन्स बहादुरी का अवार्ड मिलता है उस दिन. वो लोग भी, जो बच्चे लोग को बहादुरी का अवार्ड मिलता है, वो लोग भी उस परेड में भाग लेते हैं. दे कम राइडिंग द एलिफेंट्स, वे एलिफेंट्स में आते हैं राइड करके. द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया टेक्स द सैल्यूट ऑफ द रिपब्लिक डे परेड. जो इंडिया के प्रेसिडेंट हैं, वो उस दिन सैल्यूट करते हैं, टेक सैल्यूट ऑफ द रिपब्लिक डे परेड पे सैल्यूट करते हैं. इम्पॉर्टेंट गवर्नमेंट बिल्डिंग्स आर ऑल्सो लाइटेड अप इन द इवनिंग. जो गवर्नमेंट बिल्डिंग्स हैं, सरकारी जो बिल्डिंग्स हैं, वो भी, उनको भी लाइट अप कर दिया जाता है, लाइटिंग कर दिया जाता है शाम के टाइम में. जैसे कि हमारा राष्ट्रपति भवन है, तो उसको भी लाइट अप किया जाता है, लाइटिंग कर दिया जाता है इवनिंग के टाइम में उस दिन. देन गांधी जयंती इज ऑल्सो वन ऑफ द नेशनल फेस्टिवल्स. ऑन दिस डे वी सेलिब्रेट द बर्थडे ऑफ महात्मा गांधी, द फादर ऑफ द नेशन. इस दिन महात्मा गांधी का बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं. महात्मा गांधी हमारे फादर ऑफ द नेशन हैं, हमारे इंडिया के फादर माने जाते हैं, हमारे राष्ट्र के फादर माने जाते हैं. द फादर ऑफ द नेशन कहा गया है इनको. इट इज़ सेलिब्रेटेड ऑन 2nd अक्टूबर एवरी ईयर. ये हर साल 2nd अक्टूबर को मनाया जाता है. ऑन दिस डे अ स्पेशल फंक्शन इज हेल्ड एट राजघाट, द समाधि ऑफ महात्मा गांधी इन न्यू दिल्ली. इस दिन एक स्पेशल फंक्शन होता है, जो कि राजघाट में एक स्पेशल फंक्शन होता है. राजघाट क्या है? महात्मा गांधी की समाधि है, तो यहाँ पर राजघाट में महात्मा गांधी का दाह संस्कार हुआ था इन न्यू दिल्ली में. राजघाट में महात्मा गांधी की समाधि है, जो कि यहाँ पर दाह संस्कार हुआ था महात्मा गांधी जी का. पीपल पे देयर होमेज टू द ग्रेट लीडर. लोग जो है वो महात्मा गांधी, ग्रेट लीडर को होमेज देते हैं, श्रद्धांजलि देते हैं. हु स्पेंड हिज एंटायर लाइफ फाइटिंग फॉर द इंडिपेंडेंस ऑफ द कंट्री. जिन्होंने अपने कंट्री के लिए, अपने देश के आज़ादी के लिए अपनी पूरी ज़िंदगी लड़ने में लगा दी. अब किस लिए लड़ने में लगा दी? अपनी देश की आज़ादी के लिए लड़ने में लगा दी अपनी पूरी ज़िंदगी. ओके, सो दीज थ्री फेस्टिवल्स आर द नेशनल फेस्टिवल्स, इंडिपेंडेंस डे, रिपब्लिक डे एंड गांधी जयंती. Read it by yourself. Okay, understand it well. Thank you, everybody.